एक पिता की आत्मा। ये आत्मा एक पिता की थी, एक ऐसे पिता की जो कब से अपने बेटे के शहर से आने का इंतजार कर रहे थे। इस पिता ने अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद बेटे को अकेले संभाला था। पिता ने बेटे को कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। इसी पहाड़ी वादियों में बेटे के रूप में अपना बचपन बिता जिया। जैसे ही बेटा थोड़ा बड़ा हुआ कि पिता ने बेटे को कुछ अच्छा बनने के और पढ़ाई करने के लिए अपने दिल पर पत्थर रख कर बेटे को शहर पढ़ने के लिए भेज दिया। बेटे ने शहर जाकर वहाँ पहले पढ़ाई की और बाद में जॉब करने लगा। कुछ समय बाद बेटे ने शादी भी कर ली, लेकिन उसके पिता सिर्फ यही आस में बैठे थे कि उसका बेटा आएगा और उसका सहारा बनेगा। कुछ सालों बाद बेटा पिता से मिलने के लिए आया और पिता को लगा कि उसका बेटा उसे साथ ही अब उसके साथ ही रहेगा। बेटा कुछ और ही चाहता था। बेटे ने पिता से कहा कि पापा, आप मेरे साथ शहर चलिए, यहाँ शहर जैसी मज़ा नहीं आ रहा। लेकिन पिता को बेटे की ये बात कुछ हजम ना हुई। पिता ने बेटे से कहा कि बेटा, यहाँ पर तुम्हारी माँ की यादें बसी हैं और तुम्हारा बचपन भी बसा है, मैं ये सब छोड़कर कैसे शहर आऊँगा। बेटे ने पिता से कहा कि पापा, अगर आपको यहाँ पर रहना है तो रहो, मैं तो शहर में ही ज़्यादा खुश हूँ। पिता के बहुत मनाने के बावजूद भी बेटे ने पिता की एक नहीं सुनी और वो अपने पिता को छोड़कर शहर चला गया। पिता अपने इकलौते बेटे के जाने का गम बर्दाश्त न कर पाए और कुछ समय बाद बेटे के इंतजार में ही मर गए। आज भी उस पिता की आत्मा अपने बेटे के इंतजार में उन पहाड़ी वादियों में भटकती है।